हेलो दोस्तों, मेरी चैनल शिफ्ट डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के सामने एक एप्लीक मतलब एज अ पैच वर्क आप यूज़ कर सकते हो, हेयर पिन में, हेयर क्लिप में, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए, प्यारी सी बटरफ्लाई बनाना बताने जा रही हूँ और ये बटरफ्लाई बहुत प्यारी लगती है बनके, और इससे आप अपनी सिंपल से सिंपल ड्रेस को भी बहुत प्यारा डेकोरेट कर सकते हो। और ये मैंने मल्टी कलर थ्रेड यूज़ करके बनाई है और आप किसी भी थ्रेड की हेल्प से इसको बना सकते हो। और ये बनाना बहुत आसान है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है बनाने में। उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेनी है रिंग, रिंग बनानी है। एक रिंग में उसके अंदर हम पहले इस तरह से इसको लेंगे, और बटरफ्लाई बनाने के लिए मैं ये वाला थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए देखिए, पहले हमने वन चेन बना ली। चेन बना के हमें इसके अंदर हमें बनाने हैं 10 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। देखिए, ये हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। एक बार मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 सिंगल क्रोशिया बना के जो हमारी हमने ये छोटे वाला धागा जो है इसे पकड़ के इसको हम खींच देंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये इस तरह से रिंग बनाने से जो हमारा जो मान लो फ्लावर में भी हम रिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत इजी रहता है, और उससे हम इसे बिल्कुल टाइट करके खींचेंगे तो बिल्कुल देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ जाती है। अब क्या करना है हमें, हमने 10 सिंगल क्रोशिया बना लिया था। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वाला जो क्रोशिया था हमारा सिंगल क्रोशिया, उसके अंदर से हमें इसको ऐसे इंसर्ट करना है और इसके अंदर से हमें लेना है। ये जो पहले वाला क्रोशिया होता है ना, सबसे पहले वाली जो चेन होती है वो थोड़ी टाइट हो जाती है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। इसके अंदर हम धीरे से सॉफ्टली करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, आ गए ना इसमें हमारे दोनों लूप। अब इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे थ्रेड को, और इसके अंदर ऐसे ये हमारी स्लिप नॉट हो गई है ना। स्लिप नॉट को तो अब आप अच्छे से जान गए होंगे। चलिए, तो अब हम बनाएंगे 3 चेन। ये देखिए, ये हमने 3 चेन बना दी। 3 चेन बनाने के लिए हमें बनानी है पफ स्टिच। पफ स्टिच के लिए हमें यूज़ करने हैं 6 बार। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये हमने 6 बार पफ स्टिच के लिए थ्रेड लिया है, और इसके अंदर से हम इसे निकाल देंगे ऐसे, और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद हमें लेनी है 4 चेन। 1, 2, 3, 4। 4 चेन लेके, और ये जो हमारा है, ये जो हमने बनाया था ना, ये जो इसके बीच में ये जो आ रहा है छोटा सा छेद यहाँ पे, इसके अंदर से हम इसको ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसको देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, ये स्लिप स्टिच दे दी। अब इसके बाद बनाएंगे हम 3 चेन। ये हमने 3 चेन बनाई, और जिसमें हमने पफ बनाया पहले वाले में हमने स्लिप नॉट निकाली थी, लगाई थी और 3 चेन बनाई थी। दूसरे वाले में हमने पफ बनाया था, और उसी पफ वाले पफ वाली चेन में ही हम इसको स्लिप नॉट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से बन गई। अब सेकंड चेन में फिर से स्लिप नॉट और 3 चेन, सेम यही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है, और इसके नेक्स्ट चेन में पफ बनाएंगे। पफ के लिए हमने कितनी बार थ्रेड लिया था, 6 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5
एंड सिक्स, ठीक है, सिक्स टाइम्स हमने ले लिया। उसके बाद इसको हम लॉक करेंगे, तो पूर्ण सब में से निकाल के यहाँ पे इसको हमने लॉक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फोर चेन, वन टू थ्री फोर, ये हमारी फोर चेन हो गई हैं, ठीक है ना, ये फोर चेन हो गई हैं। उसके बाद हमें ये जो होल है इसमें लेके इसको स्लिप नॉट, फिर थ्री चेन, टू थ्री, थ्री चेन बना के फिर हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे बटरफ्लाई के दो पंख, मतलब एक साइड का पंख बन गया है। अब इसके बाद हम इसके बनाएंगे ये वाला पार्ट। इस पार्ट के लिए हमें लेने हैं फाइव चेन, यहाँ पे स्लिप नॉट लिया है, अब नेक्स्ट वाली इसमें स्लिप नॉट लेंगे, यहाँ पे लेंगे स्लिप स्टिच, फाइव चेन, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। ये हमने फाइव चेन ली। अब फाइव चेन में हमें क्या करना है, ये वाली जो सेकंड वाली चेन है यहाँ से हमें स्लिप स्टिच करनी है, वन टू थ्री फोर, देखो फोर स्लिप स्टिच तो हमारी इनमें हो गई, और एक हमें इधर ही जहाँ से हमने शुरू करा था उसके नेक्स्ट वाले में, यहाँ शुरू इस वाले के उसके नेक्स्ट वाले में ये कर दिया। फिर यहाँ से फिर से फाइव चेन, थ्री फोर फाइव, हमने फाइव बार ही स्लिप स्टिच करा है। देखिए फाइव चेन ली, फिर सेकंड चेन से स्लिप स्टिच शुरू, एक दो तीन चार, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में पाँच, इस तरह से ये इसके दोनों हो गए। अब हम यहाँ से थ्री चेन, थ्री चेन, नेक्स्ट चेन में पफ स्टिच। अब हमें फिर से दो पफ स्टिच लेनी है, जिस तरह से हमने पहले बनाई थी इसी तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। पफ स्टिच के लिए आप चाहे तो सिक्स टाइम्स ले सकते हैं, चाहे तो फोर टाइम्स ले सकते हैं, दोनों से ही पफ अच्छा बनता है, थोड़ा सा उसके थिकनेस में फ़र्क पड़ता है। ये हमने फोर चेन बनाई, फोर चेन के बाद हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर थ्री चेन, वन टू थ्री, और नेक्स्ट चेन में स्लिप नॉट, और फिर सॉरी नेक्स्ट चेन में नहीं, उसी में करना है पफ वाली में, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट चेन में फिर स्लिप स्टिच, थ्री चेन, और उसके बाद पफ बनाना है हमें, एक दो तीन चार पाँच और एक छ, है ना, कितना सिंपल फंडा है इसको बटरफ्लाई को बनाने का। वो देखने में इतनी प्यारी लगती है, और जिसको नहीं बनाना आता वो सोचता है कि कितनी मेहनत लगाई है क्रोशे वाले ने बनाने में, बट जिसको क्रोशे आता है उसके लिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। ये देखिए थ्री चेन, देन इसको यहाँ पे हम स्लिप स्टिच के थ्रू लॉक कर देंगे, और इसके बाद हमारी ये जो बटरफ्लाई है, ये देखिए, अब यहाँ पे इसको थ्रेड को काटने से पहले हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से, और इसको फिर यहाँ से हम कट कर देंगे, और हमारी ये बटरफ्लाई बन के रेडी है। ये हमने कट कर दिया, और ये हमारी इस तरह से देखिए बन गई ना, कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई है ना। और ये हमारी बनाई थी मल्टी कलर से बनाएंगे तो भी बहुत प्यारी लगेगी, अगर आप सिंपल सिंगल एक कलर भी लेते हैं तो उसमें भी अच्छी लगेगी। ये हमारी बटरफ्लाई बनके बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को,
और अगर आप किसी टॉपिक किसी और क्रोशे से रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा जरूर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी डिमांड को पूरा कर सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।